तंतुजाल। तंतुजाल एक प्रकार का मकड़ी का जाला होता है। यहाँ हम दो प्रकार के तंतु जालों का उल्लेख करेंगे। पहला है स्टेबल कॉबवेब यानी कि स्थिर तंतु जाल, जिसमें संतुलन एक बार भंग होने पर पुनः स्थापित हो जाता है। मतलब कि जिस जगह से हम स्टार्ट करते हैं वापस हम वहीं पे आ जाते हैं लौट के, इसको तो कहते हैं स्टेबल कॉबवेब स्थिर तंतु जाल। दूसरे को कहते हैं अस्थिर तंतु जाल, अनस्टेबल कॉबवेब, जिसमें एक बार संतुलन भंग होने पर पुनः स्थापित नहीं हो पाता। मतलब कि हम संतुलन पॉइंट से और भी उत्तरोत्तर दूर होते चले जाते हैं। जिस तरीके से मकड़ी का जाला होता है उस तरीके से इन दोनों तंतु जालों की स्थिति होती है। और यहाँ हम लेते हैं वास्तविक कीमत और एक वस्तु की मात्रा। जैसे जैसे कीमत में और मात्रा में परिवर्तन होते जाते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट में भी चेंज आते हैं। हमें मालूम है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन पाया जाता है, तो जब हम किसी वस्तु की प्राइस का निर्धारण करते हैं तो हम दो प्रकार के तंतु जालों का अध्ययन करेंगे। पहला स्थिर तंतु जाल, स्टेबल कॉबवेब। इसमें चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि ओ एक्स अक्ष पर हम ले रहे हैं क्वांटिटी किसी वस्तु की मात्रा, और ओ वाई अक्ष पर हम ले रहे हैं कीमत। तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ संतुलन स्थापित होता है। तो ओ क्यू वस्तु की मात्रा परचेज कर रहा है, ओ पी कीमत पर। और जब कीमत ओ पी से बढ़कर ओ पी वन हो जाती है तो ई से बढ़कर ई वन हो जाएगा संतुलन का बिंदु। यानी कि बढ़ी हुई कीमत से प्रभावित होकर उत्पादनकर्ता अपनी पूर्ति बढ़ा देगा, एफ टू कर देगा, जिससे कीमत पुनः घट जाएगी क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई, ई टू हो जाएगी। इसके फलस्वरूप जब और अगली अवधि में सप्लाई बढ़ाएगा तो पूर्ति एफ थ्री होगी, इसी तरह कीमत भी ई थ्री पर क्रम इस तरीके से जारी रहेगा, पुनः संतुलन ई बिंदु पर आ जाता है। इस प्रकार इस विशेष स्थिति में ई बिंदु की ओर पुनः संतुलन के स्थापित होने की जो प्रवृत्ति है इसे ही हम स्टेबल कॉबवेब कहते हैं, यानी कि स्थिर तंतु जाल। कि एक बार जिस संतुलन के बिंदु से हम चले थे पुनः हम वहीं लौट कर आ जाते हैं। दूसरा होता है, लेकिन यहाँ हमको ये ध्यान देना जरूर है कि जो सप्लाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस, यहाँ ये नहीं है, बल्कि हम यहाँ कह रहे हैं कि जो डिमांड की मात्रा है वो कीमत पर निर्धारित है, और कीमत जैसी होगी वैसी ही डिमांड की मात्रा होगी। अस्थिर तंतु जाल दूसरे चित्र के माध्यम से समझाया गया है, इस अनस्टेबल कॉबवेब। इसमें यह है कि जहाँ पूर्ति वक्र जो है, जो सप्लाई कर्व है, आप देखेंगे सप्लाई कर्व डिमांड कर्व की तुलना में ज़्यादा फ्लैटर होता है यानी कि चपटा होता है। यहाँ प्रारंभिक संतुलन ई बिंदु पर है, सप्लाई कर्व डिमांड कर्व एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, नीचे ओ क्यू मात्रा है क्वांटिटी, ओ पी प्राइस है। मान लीजिए किसी कारण से पूर्ति घटकर ओ क्यू वन पर आ जाती है तो तुरंत ही कीमत भी ओ पी से बढ़कर क्या हो जाएगी, ओ पी वन हो जाएगी।